तो मेरा इस गेमिंग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेंसिटिविटी। अगर गेम का सेंसिटिविटी तगड़ा ना हो तो कोई भी बंदा आपको मार के जा सकता है। गेम में जो एम इम्प्रूव होता है वो सेंसिटिविटी की वजह से ही होता है, इसीलिए सेंसिटिविटी को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और ठीक करेंगे अपना परफेक्ट COD सेंसिटिविटी को। मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सा सेंसिटिविटी सेटिंग्स कौन सा कम में आती है, आप लोग अपना हिसाब से ठीक कर लेना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप लोग ठीक से समझ पाए। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग्स को कैसे ठीक करते हैं। तो आ गया अपना मोबाइल स्क्रीन पर और ऑन कर लिया अपना ट्रेनिंग मोड। इसी में दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग चल जाते हैं अपना सेटिंग्स पर। ये आ गया सेटिंग्स, मैं सेंसिटिविटी ऑन कर लेता हूँ, आप लोग सेंसिटिविटी ऑन कर लेना। ये आ गया सेंसिटिविटी सेटिंग्स पूरा। इसी को आज हम लोग परफेक्ट करेंगे। दोस्तों कोई भी मोड हो, MP, मल्टीप्लेयर हो, बैटल हो, सभी सेंसिटिविटी सेटिंग्स एक ही जैसा होता है। मैं MP मोड से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों में ही एक ही जैसा होता है, सेम प्रोसेस, आप लोग उसे भी इसी तरह से ठीक कर लेना। मैं इसे ही समझा देता हूँ, मैं ऊपर की तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आ रहा है फिक्स स्पीड, इसे ठीक कर देना। रोटेशन मोड के नीचे है सेंसिटिविटी स्विच, इसे आप लोग फास्ट ऑप्शन चूज कर लेना। स्विच व्हील ओपनिंग ADS, ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना। सेंसिटिविटी स्विच के नीचे है सेंसिटिविटी प्रेजेंस, आप लोग अपना हिसाब से रख सकते हो, लेकिन सेंसिटिविटी चेंज कर रहे हो इसीलिए इसे लास्ट ऑप्शन चूज करना। लास्ट ऑप्शन है कस्टम, इसे चूज करना। इसका मतलब होता है जो हम लोग सेंसिटिविटी सेटिंग्स को चेंज कर रहे हैं, अगर आप लो, मीडियम, हाई कुछ भी रखते हो तो वो गेम का हिसाब से अपने आप हो जाता है वो सेटिंग्स, लेकिन हम लोग चेंज करेंगे इसीलिए कस्टम। अब हम लोग ठीक करेंगे कैमरा सेंसिटिविटी को। ये पहला वाला ऑप्शन है स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी, ऑप्शन कौन सा काम में आता है ये मैं गेम में जाके बताता हूँ। ये मैं लो कर दिया, अब मैं गेम को मूव कर रहा हूँ, ये देखो इधर उधर कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ सामने जा रहा है, थोड़ा हो रहा है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसे मैं फास्ट कर देता हूँ। फिर से जाता हूँ सेटिंग्स पर, इसे मैं फास्ट कर देता हूँ पूरा। अब देखो गेम कितना मूव हो रहा है, देखो कितना मूव हो रहा है। कैमरा यानी गेम का आँख, गेम में जो आप चलते हो, इधर उधर जाते हो, वो होता है कैमरा सेंसिटिविटी में। इसे भी मैं बैक कर देता हूँ। अब चलता हूँ सेटिंग्स पर, उसका नीचे आ गया ADS सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी कौन सा काम में आते हैं, इसे मैं पूरा लो कर देता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को। गेम पे चलता हूँ और दिखाता हूँ, ये देखो ये तो अभी काम कर रहा है, ये हो गया स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी। स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी का काम ये हो गया, लेकिन जब हम लोग स्कोप करते हैं, इस बार देखो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, धीरे धीरे मूव हो रहा है। चलो हम लोग सेटिंग्स में जाके इसे फास्ट कर देते हैं। इसे हम लोग फास्ट कर देते हैं। इस बार गेम में जाके देखते हैं, ये हम लोग इसको ऑन किया, देखो कितना फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो गया। ये सेंसिटिविटी का यही काम होता है, ADS सेंसिटिविटी का।
चलो हम लोग फिर से सेटिंग्स पे जाते हैं। उसका नीचे आ गया टेक्निकल स्कोप सेंसिविटी, स्नाइपर स्कोप सेंसिविटी 3x टेक्निकल स्कोप, 4x टेक्निकल स्कोप, 6x, सभी एक ही जैसा प्रोसेस है। अपना हिसाब से स्कोप लगाओ, अपना हिसाब से सेटिंग्स करो। ये हो गया 3x, 3x लगाओ स्कोप, इधर से इसे ठीक कर लो। ये मेरा परफेक्ट रखा हुआ है, इसलिए मैं इधर छेड़खानी नहीं किया, ये मैं चेंज कर देता हूँ। अब नीचे आ गया फायरिंग सेंसिविटी, मतलब फायरिंग करते टाइम जो मूव होता है, इधर उधर होता है, उसी को बोलता है फायरिंग सेंसिविटी। तो पहला वाला ऑप्शन है स्टैंडर्ड सेंसिविटी, मतलब इसे मैं लो कर देता हूँ, इसे मैं पूरा लो कर दिया। अब देखते हैं ट्रेनिंग में जाके, इसे मैं पूरा लो कर दिया। पहले गन लोड कर लेता हूँ, उसे बिना स्कोप के पहले फायरिंग करो। फायरिंग करता हूँ, इधर उधर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। फिर से फायरिंग करके दिखाता हूँ, इधर इधर उधर नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। फिर से फायरिंग करता हूँ, इधर उधर नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, इसे हाई कर देता हूँ। ये आ गया फायरिंग सेंसिविटी, इसे मैं पूरा हाई कर दिया। अब जाते हैं ट्रेनिंग पे, ये देखो इस बार मैं फायरिंग करूँगा, ये देखो कितना आ रहा है, कितना कितना मूव हो रहा है, देखो फायरिंग, देखो कितना मूव हो रहा है। सामने से आगे दिखाता हूँ, चलिए इसका भी काम हो गया। फिर से जाता हूँ सेटिंग्स पर, फायरिंग सेंसिविटी, उसका नीचे है ADS, यानी कि फायरिंग करते टाइम जो ADS ऑन होता है उसका सेंसिविटी, ये होता है उसका। तो इसे भी मैं पूरा लो कर देता हूँ और जाके ट्रेनिंग पर देखते हैं। आगे इधर ये मैं स्कोप ऑन किया, ये फायरिंग कर रहा हूँ, इधर उधर उधर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा इधर उधर। फिर से दिखाता हूँ, ये स्कोप ऑन किया, ये फायरिंग कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं हो रहा, मतलब कि फायरिंग स्कोप टाइम, ये स्कोप ऑन किया, फायरिंग कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं हो रहा। चलो इस बार जाते हैं सेटिंग्स पर, आ गया फायरिंग सेंसिविटी ADS, दो नंबर ADS सेंसिविटी, इसे मैं हाई कर देता हूँ। अब जाते हैं ट्रेनिंग पर, इस बार देखा गन लोड कर लिया, स्कोप ऑन किया, अब मैं फायरिंग कर रहा हूँ, देखो इधर उधर हो रहा है, कितना इधर उधर हो रहा है। फिर से दिखाता हूँ, ये स्कोप, ये फायरिंग, कितना इधर उधर हो रहा है, ये होता है इसका काम। अब जाता हूँ सेटिंग्स पर, फायरिंग सेंसिविटी में सभी में सेम प्रोसेस। ये आ गया टेक्निकल स्कोप सेंसिविटी, 3x, 4x, 6x, 8x, सभी को अपने हिसाब से गन्स में लगाओ, स्नाइपर में लगाओ और अपना हिसाब से सेट कर लो।
सभी सेम प्रोसेस। ये हो गया फायरिंग सेंसिविटी, मतलब कि फायरिंग करते टाइम जो स्कोप इधर उधर होता है उसी को बोलता है फायरिंग सेंसिविटी। तो फायरिंग करो और अपना हिसाब से ठीक कर लो। नीचे आ गया जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप तो मैं तो खेलता ना हूँ दोस्त। तो मेन जो सेटिंग्स था मैं आप लोगों को बता दिया, आप लोग अपना हिसाब से कर लो सेंसिविटी।